तो कोई आमी में दर्शन करता है, तो ये सारे दुगले और दोहरे चरित्र के, तो ये सारे लोग अवसरवादी हैं, घोटालेबाज हैं, और कहीं ना कहीं ये सारे लोग बिहार को गरीब बनाने वाले लोग हैं। हम दही चूड़ा का खोज किए तो आम जनता के लिए खुला हुआ है दरवाजा। 24 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार सत्ता में आने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी 24 में भी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के नारों पर चल रहा है। ये सब नकली लोग हैं, ये कभी रामायण जलाते हैं, कभी गीता फाड़ते हैं, तो इस टाइप के लोग हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनुप नारायण सिंह है और आप रवजी लाइव के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। हम हैं पटना में प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ है पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह। कई सारे अहम मुद्दे हैं जिस पर अब महागठबंधन सरकार अपने ही सवालों में घिरती नजर आ रही है। लगातार राजद के नेताओं के द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर की जा रही उचित टिप्पणी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसी कड़ी में बिहार के श्रम मंत्री सुरेंद्र राम ने भी अब एक बड़ा सी गुफा छोड़ा है और कहा है कि जो लोग अक्षत बांट रहे हैं वो देश को ठगने का काम करते हैं। आइए जानते हैं अरविंद कुमार सिंह से आखिर क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं। क्यों देखिए, जिनको लग रहा है कि हम लोकसभा में पूरी तरह से पराजित हो जाएंगे, जात धर्म समाज को लड़ाना, भेदभाव पैदा करना नहीं चल रहा है, इसकी दुकानें बंद हो चुकी है और अब लोग जो है विकास पर, राष्ट्रवाद पर, धर्म पर चले गए हैं, देश का संस्कार जम चुका है और ये देश जो है सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के नारों पर चल रहा है, ये देश जो है अब विकास की ओर अग्रसर है, पांचवी अर्थव्यवस्था बन गई है दुनिया में, तृतीय अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। 24 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार सत्ता में आने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी 24 में भी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। 30 तक कोई वैकेंसी नहीं है, तो ये व्याकुल भारत होकर के अनाप शनाप पक रहे हैं। इनको हिंदुत्व का परिभाषा समझ में नहीं आती है, इनको सनातन के बारे में समझ नहीं है, ये सब नकली लोग हैं, ये कभी रामायण जलाते हैं, कभी गीता फाड़ते हैं, तो इस टाइप के लोग हैं, तो ये किसी पर भी अनाप शनाप बकते हैं और इनका कथनी करने में अंतर है। ये सारे द्वार्थी और दो तरह का भाषा और ज्ञान के लोग हैं, तो ये दिन में रामायण पर गाली पढ़ते हैं, रात में जाकर के राम जी के मंदिर में दर्शन करने वाले लोग, उसी में कोई मुंडन कराता है तो कोई सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ के यहाँ जाता है, तो कोई आमी में दर्शन करता है, तो ये सारे दोगले और दोहरे चरित्र के लोग। अरविंद जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आज मकर संक्रांति है, बिहार में ठंड है और कहीं ना कहीं राजनीति गर्म है, भाजपा ने पूरी तरह से कह दिया कोई चर्चा नहीं, कोई इस विषय पर कोई बयान नहीं नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार का रुख विगत कुछ दिनों से भाजपा के प्रति एकाएक नरम हो गया है, वो उनकी पार्टी जो है वो किनारा कर रही है कि नहीं हम सनातन धर्म का विरोध नहीं करते, अगर कोई कर रहा है तो उस व्यक्तिगत राय है, उस पर कार्रवाई होती है, ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मतलब ये जनता की पार्टी है, जनता के द्वारा हृदय में बसा हुआ ये पार्टी है। हम दही चूड़ा का खोज किए तो आम जनता के लिए खुला हुआ है दरवाजा। ये नहीं कि सिर्फ नेता आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे, जिसको आना है आए और यहाँ चूड़ा दही भोजन करे, गरीब से लेकर के अमीर से लेकर के जिसको आना है सभी के लिए ये चूड़ा दही का दरबार खुला हुआ है। वहां सेलेक्टेड और कलेक्टेड लोग हैं और सारे का दूध नहीं दही फटा हुआ है, दही भी फटक चुकी है और दही का क्रीम सब खत्म हो चुका है। तो ये सारे लोग अवसरवादी हैं, घोटालेबाज हैं और कहीं ना कहीं ये सारे लोग बिहार को गरीब बनाने वाले लोग हैं और कुछ लोग जो है घोटालेबाजों के संरक्षण देने वाले लोग हैं। कोई घोटालों के किन्हीं के नाम पर रिकॉर्ड है तो किन्हीं के नाम पलटने का रिकॉर्ड है, तो ये अजीब टाइप का गठबंधन है। सारे केस मुकदमों से बचने के लिए, घपले घोटाले बचाने के लिए, परिवार भाव को स्थापित करने के लिए ये सारे गठबंधन है और ये सारे क्षणिक गठबंधन है। न इनका नीति, नियत, नेता सब आपस में मिले हुए नहीं है, सब अलग अलग है और ये सब जो है अलग अलग तालाबों के मेढक
बरसात में एक साथ जमा है, तो ये बरसात खत्म हो जाएगी, चुनाव समाप्त हो जाएगी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से जब दिल्ली पर बैठ जाएंगे, जनता का सेवा करने लगेंगे, ये सब अपने अपने तालाबों में चले जाएंगे। आपको नहीं लगता है तीन राज्यों में जिस तरह से हंगामा बनाया गया था, भाजपा प्रचंड बहुमत से वापस लौटी है, कहीं ना कहीं देश का एक बड़ा जनादेश अब सामने आ गया है, कि देश चाहता है कि एक स्थिर सरकार के, सब लोग स्थिरता चाहता है, और जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां वहां नाश कर देते हैं कांग्रेस का, जहां जहां राहुल का कदम पड़ता है वहां नाश तय है। वैसे भी जो राम से दो ही लोग बैर लिया है, एक रावण और एक कांग्रेस, तो रावण का नाश हो चुका है, कांग्रेस का नाश चल रहा है। यह है अरविंद कुमार सिंह, और इनका मानना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आम आवाम की बात करती है, भाजपा अपने नीति नियम और नियत पर एकदम कायम है, और ऐसे में बिहार की महागठबंधन सरकार पूरी तरह से अपने ही भ्रम जाल में फंस गई है। विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, सनातन का विरोध लगातार राजद के नेताओं के द्वारा हो रहा है, और इसका जवाब बिहार और देश की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में देगी। अब यह देखना खास होगा कि जिस उत्साह के साथ भाजपा बिहार फतह की पूरी तैयारी में लगी है, ऐसे में नीतीश कुमार के लिए कहां गुंजाइश बचती है।